नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद है। मैं गांव छछड़ाना जिला पानीपत हरियाणा से हूं और मैं इम्पावर पीपल संस्था का एक कार्यकर्ता हूं। हमारी संस्था ने कार्यकर्ताओं के लिए एक हैंड पुस्तिका तैयार की है जो कि समाज में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। हमारी संस्था ने ये पुस्तिका इम्पावर पीपल के कार्यकर्ताओं के लिए तैयार की है, जिसमें हमारी संस्था के उद्देश्य, उनके कार्यशैली के बारे में बताती है। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि हमारी संस्था द्वारा, इम्पावर पीपल संस्था द्वारा, ये कार्यकर्ता हस्त पुस्तिका अन्य संगठनों में अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए भी अच्छी साबित हो सकती है, ये हमारा विश्वास है। जो भी कार्यकर्ता हमारी इस पुस्तिका को और गहराई से जानना चाहता है, पढ़ना चाहता है, वो हमारी संस्था की वेबसाइट पर जाकर के इसको अपलोड कर सकता है और बारीकी से पढ़ करके अपने ज्ञान को बढ़ा सकता है और समाज के लिए अच्छा कार्यकर्ता साबित हो सकता है। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि एक अच्छा कम्युनिटी लीडर, एक अच्छा सामुदायिक कार्यकर्ता कौन बन सकता है और उसके अंदर क्या क्वालिटियां होनी चाहिए। वैसे हर कोई व्यक्ति एक अच्छा कार्यकर्ता नहीं बन सकता। इसके लिए, अच्छा कार्यकर्ता बनने के लिए किसी डिग्री, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, वाणिज्य स्नातक या किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आप आमतौर पर देखा गया है कि कुछ ऐसे व्यक्ति जो एक साल से प्राथमिक शिक्षा जिन्होंने प्राप्त की है, वो एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता साबित हुए हैं। एक कार्यकर्ता का मेन लक्ष्य, मेन उद्देश्य समाज की उन्नति, समाज के विकास, समाज को बढ़ावा देना और मानवता के लिए काम करना एक कार्यकर्ता का कर्तव्य और एक मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक बताना चाहता हूं साथियों से कि जैसे हम कसरत करते हैं तो हमारा शरीर की जो स्नायु तंत्र है वो मजबूत हो जाता है, और जब हम कोई शारीरिक काम नहीं करते या कसरत नहीं करते तो हमारा शरीर का स्नायु तंत्र कमजोर हो जाता है। इसी तरीके से जिस समाज में जागरूकता की कमी है, जिस समाज में कार्य करने की क्षमता नहीं है, जिस समाज में अपने विरुद्ध हुए कार्यों का प्रतिशोध, प्रतिरोध करने की अक्षमता नहीं है, वो समाज कमजोर समाज रह जाता है और वो उस समाज का कभी विकास नहीं हो पाता जिस तरीके से उस समाज का विकास होना चाहिए। एक कार्यकर्ता काम करते हुए बनता है कि वो समाज में जाए और किसी भी मुद्दे पे समाज में बातचीत करे और समाज को चुनौती दे और चुनौती दे करके वो शांत हो जाए। समाज के व्यक्ति जब उस मुद्दे पे बात करेंगे, अपने अलग अलग विचार व्यक्त करेंगे जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी सोचा ही नहीं था,
तो अच्छा जो कार्यकर्ता है, जो सूझबूझ वाला कार्यकर्ता है, उसको चाहिए कि वो समाज से प्रतिक्रिया ले, समाज के लोगों के ज्यादा से ज्यादा विचार सुने, अपनी बात उन पर ना थोपे, अपना ज्ञान उन पर ना लादे, बल्कि उस समस्याओं के बारे में उसी समाज के लोगों से बात करें और उनको बताए कि इस समस्या का समाधान क्या है, इसका निवारण क्या है। एक उदाहरण के तौर पर मैं इसको समझाना चाहता हूं कि जैसे आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और आपने समाज में जाकर के, किसी वर्ग में जाकर के आपने पूछा कि आपकी सबसे बड़ी जरूरत क्या है, आपकी सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने कहा कि हमारे यहां कोई भी हॉस्पिटल नहीं है, हम चाहते हैं कि हमारे यहां एक हॉस्पिटल होना चाहिए। तो आप पूछिए उनसे कि क्या आपके पास हॉस्पिटल बनाने की अक्षमता है, क्या आपके पास हॉस्पिटल का रख रखाव करने की अक्षमता है, और अगर हॉस्पिटल बन जाता है तो उसको उससे आपको क्या फायदा होगा और आपको परेशानियां क्या आएंगी, क्योंकि हॉस्पिटल बनाने में के लिए बहुत पैसे की भी जरूरत पड़ेगी और समय की भी जरूरत पड़ेगी। ये सब कुछ आप लोगों ने खुद इकट्ठा करना पड़ेगा, खुद इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, खुद इसका निर्माण करना पड़ेगा। क्या आपकी इतनी अक्षमता है कि आप अपना पैसा, अपना धन हॉस्पिटल बनाने में खर्च कर सकते हैं? और हॉस्पिटल आप क्यों बनाना चाहते हैं, इसका बेनिफिट क्या, इसका आपको लाभ क्या होगा? तो कुछ लोग बीच में से अगर किसी की आवाज आई कि हमारे बच्चे दस्त लग करके, बीमार हो करके मरे जा रहे हैं, बिना इलाज के वो मृत्यु को के मुंह में जा रहे हैं, अगर हमारे यहां हॉस्पिटल हो तो हमारे बच्चों का बचाव हो सकता है, तो एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी बनती है कि वो हॉस्पिटल के बारे में बताए कि हॉस्पिटल में आने से उनके बच्चों की सुरक्षा हो सकती है। लेकिन जैसा वैज्ञानिक तरीके से, जैसे डॉक्टर बताते हैं कि उल्टी दस्त लगने का मुख्य कारण होता है गंदे पानी का पीना, अगर हमारे यहां हम गंदा पानी पिएंगे तो हमारे बच्चे उल्टी दस्त से मरेंगे और बड़े बुजुर्गों को भी इसका भारी नुकसान हो सकता है। क्यों ना हम एक ऐसा सस्ता उपाय करें जिससे कि आपका हॉस्पिटल बनाने का जो लाखों रुपया है वो भी बच जाए और आपका समय भी बच जाए और आपके बच्चे भी सेफ रहे। तो उसमें से कुछ साथी बोलेंगे कि ये तो बहुत ही अच्छा सुझाव है, बताइए इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो पहले आप उनसे कुछ सुझाव मांगे, उनके सुझाव के बाद आप भी अपनी बात कह सकते हैं कि मेरे विचार से अगर हम जो गंदा पानी पी रहे हैं, गंदा पानी क्यों होता है, जैसे हमारा कुआ है उसके पास गंदगी, जो हम कूड़ा डालते हैं उसके पास जो कूड़ा होता है उससे भी हमारा पानी गंदा हो सकता है। हमारा जो नल है उसके साथ गंदे पानी का गड्ढा होना भी, उससे भी हमारा पानी गंदा हो सकता है। और जैसे हम सॉरी घरों में पानी, पीने वाले पानी को खुला रखते हैं, इससे भी पानी में गंदगी आ सकती है। और जो हमारी माताएं बहनें पानी लेकर के आती हैं तो ऊपर आसमान से अगर वो घड़ा खुला है या वो बर्तन खुला है जिसमें आप पानी लेके आए हैं, तो ऊपर आसमान से कोई भी जानवर उसमें गंदगी डाल सकता है और उसमें वीट वगैरह कर सकता है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर हम हमें स्वस्थ रहना तो हमें स्वच्छ पानी की आवश्यकता पड़ेगी।
तो इसके लिए हमें कुछ बदलाव की आवश्यकता है, जिसमें कि आपका पैसा भी खर्च नहीं होगा और आपका आपके बच्चे भी सेफ रहेंगे और आप एक शुद्ध वातावरण में भी रह सकते हैं। इसके लिए हमें अपने आसपास के घरों में साफ सफाई करनी जरूरी है, खुद को हमें स्वच्छ रखना जरूरी है, और जो हम हमारा पीने का पानी है वहां पर हमें कभी भी गंदगी नहीं डालनी चाहिए, गंदगी को हमें पीने के स्रोत से दूर डालना चाहिए, और हमें आरोग्य शिक्षा का भी ज्ञान होना चाहिए और उसी के मुताबिक हमें अपना आचरण भी करना चाहिए। तो हमारे हिसाब से ऐसा लगता है, कार्यकर्ता बोल सकते हैं ये बात को, कि मेरे ख्याल से अगर आप इस तरीके से थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे तो आप ज्यादा सेफ रह सकते हैं और आपका खर्चा भी कम आएगा। उसमें कुछ लोग इस सुझाव को अच्छा मानेंगे और अच्छा मान करके आप उनसे ये बातें करके और आप वहां से निकल सकते हैं। उसके बाद जब आप दोबारा उनसे मिलेंगे तो कुछ और नई बातें आपके सामने आएंगी, उन बातों को भी आप गौर से सुने, उनके विचारों को सुने और उनके विचारों को सुन करके उनकी चुनौतियां को ध्यान में उनको ध्यान में रखते हुए उनसे आप कुछ सुझाव दे सकते हैं। एक मैं और इसमें एक बात बताना चाहता हूं आपको कि ये जो बातें हैं ये कई तरह के जो कार्यक्षेत्र में कार्य करे जो संगठन है, जो कार्यकर्ता हैं, उसके अंदर जो कार्यकर्ता है वो महिला या पुरुष कोई भी हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि एक ही वर्ग से कार्यकर्ता बने। हमें क्योंकि इसके बारे में माननीय मेरी नागू ने कहा है कि आप लिंग संतुलन के बिना सच्चा समाज विकास नहीं कर सकते, और इस संतुलन को पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व महिला समाज की भागीदारी है। इसलिए हमें कार्यकर्ताओं को चाहिए कि हर संगठन में और हर क्षेत्र में और समाज के कार्य निर्माण में, समाज की समस्याओं के निर्माण में, उसके उपाय में हमें महिलाओं की भागीदारी अवश्य लेनी चाहिए, ताकि महिला और पुरुष मिलकर के उस उपाय के बारे में विचार करें। मैं हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनका ध्यान कुछ मानवाधिकार मुद्दों पर की तरफ ले जाना चाहता हूं। जैसे कि एक सबसे बड़ा मुद्दा हमारे देश में जातिवाद का मुद्दा है। जातिवाद बहुत ही गंभीर समस्या है, क्योंकि जातिवाद से हम ऊंच नीच में बंटे हुए हैं, जातिवाद से आपस में वैमनस्य पैदा होती है, जातिवाद से एक वर्ग का विकास होता है, एक वर्ग का विकास नहीं हो पाता है। इसलिए ये जो जातिवाद की जो समस्या है ये बहुत ही एक गहरी समस्या है, हमें इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। और हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनको उनके दिमाग में ये बातें होना बहुत ही जरूरी है कि हमें जातिवाद के मुद्दे पे काम क्यों करना चाहिए। हालांकि हर समुदाय और देश में इस तरह की जो समस्याएं वो अलग अलग होती हैं, और हम ये स्वीकार कर सकते हैं कि गलत और सही के बारे में बहुत तरह की धारणाएं हो सकती हैं। जातिवाद एक ऐसी धारणा है और आमतौर पर यह गलती मानी जाती है, हालांकि कुछ लोग जातिवाद को बहुत ही महत्वपूर्ण समझते हैं, बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, उसे उन्हें पहचाना जा सकता है। जातिवाद में प्रधान मूल्य यह है कि कुछ लोगों का मानना है कि भौतिक लक्षण लोगों की एक श्रेणी में डालते हैं और सामाजिक, मानसिक, सांस्कृतिक और दूसरी अभौतिक विशेषताएं
अपने आप ही उस श्रेणी के लोगों को लागू होती है। इसमें ठेठ जातिवादी यकीन रूढ़िवादी जो धारणाएं हैं, जैसे कि अफ्रीका का मैं आपको ध्यान देना चाहता हूं कि सब अफ्रीकी मूल के व्यक्ति सुरीले होते हैं, एक धारणा है, ये एक जातिवाद है, एक इशारा करता है अफ्रीका के मूल के लोगों के लिए। दूसरा एक जैसे धारणा बनती है कि सब गोरे जातिवादी होते हैं। तीसरा उदाहरण मैं देता हूं आपको, जैसे यहूदी पैसे के मामले में बहुत चालाक होते हैं, ये सब एक जातिवाद का ही रूप है। कुछ लोग अविश्वसनीय, कुछ लोगों के बारे में बोला जाता है कि फलां जाति के लोगों का भरोसा नहीं किया जा सकता। कुछ लोगों की धारणाएं हैं, विचार हैं कि फलानी जाति के लोग व्यभिचार होते हैं, वो लोभी होते हैं। कुछ जाति के लोगों के बारे में बताते हैं कि वो बहुत ताकत के भूखे होते हैं, वगैरह वगैरह। इस तरह की बहुत सारी कुछ परंपराएं हैं, जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं, जिनसे कि जातिवाद को आसानी से पहचाना जा सकता है। ये रूढ़िवादी धारणाएं कुछ लोगों के साथ चुनिंदा नकारात्मक और पक्षपाती ढंगों से बर्ताव करने को सही ठहराने के लिए या जो नियम उनकी सहभागिता सीमित करने के लिए बनाए जाते हैं, उनको बराबरी का हक दिलाने के लिए में जो रुकावट पैदा करते हैं, ऐसे जो नियम हैं उन्हें सही ठहराने के लिए उद्गत की जाती है, उसे जातिवाद कहते हैं। विश्लेषण करने पर यह साफ है कि लिंग के आधार पर भेदभाव या लैंगिक तत्व जातिवाद के जैसा ही है। जैसे महिला पुरुषों में हम भेद करते हैं, एक वर्ग को हम आगे बढ़ने का मौका देते हैं, एक वर्ग को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, एक वर्ग को हमेशा उनको निर्णय लेने से रोकते हैं, बाधित करते हैं, ये भी एक जातिवाद का ही रूप है। यह अभौतिक सामाजिक विशेषताओं की और कुछ जैविक विशेषताओं वाले लोगों के प्रति बर्ताव की रूढ़िवादिता है। अगर हम अंतरराष्ट्रीय कारना में देखें, जैसे कि मानव अधिकारों की घोषणा, हम वो विस्तृत मूल्य ढूंढ सकते हैं जिनकी तरफ हमें काम करना है। उनमें से एक भाव यह है कि हर एक को सेवाएं, कानून, नागरिक सहभागिता को पहुंच का अधिकार हो, क्योंकि अगर सभी लोगों को समानता का अधिकार मिले, सभी लोगों को कार्य करने का अधिकार मिले, सभी लोगों को अपनी बात कहने का मौका मिले, अवसर मिले, सभी लोगों को अपने विकास करने का अवसर मिले, तो ये कि मानवता का मुद्दा होगा और इससे के समाज का और देश का कि जो तरक्की है उसमें बढ़ोतरी होगी और देश के अंदर खुशहाली आएगी। इसलिए हमें इसको बिना जाति के, बिना लिंग, धार्मिक विश्वास और प्रथाओं या किसी श्रेणी को मानव जाति में जो बांटती हो उन पर ध्यान केंद्रित करके इनको दूर करने का एक कार्यकर्ता को प्रयास करना चाहिए। फिर भी हम जानते हैं कि दूरवर्ती और अकेले कम आमदनी वाले असंतोषजनक से शिक्षित समुदाय में जहां हमें नियुक्त किया जाता है, यह मूल्य नहीं होते, प्राय उन्हें पता भी नहीं होते कि यह संगठन कार्यकर्ता और अक्षमता विकास को सहज बनाने वालों पर एक जिम्मेदारी का भार डालता है। यह मूल्य बताने और समझाने की और संगठन कार्य के अंतर्गत बदलाव कार्यकर्ता के रूप में सर्वव्यापी मूल्यों को लागू करने की और काम करने की जिम्मेदारी, ये बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है मानवता के लिए, एक सामाजिक कार्यकर्ता के लिए। दूसरा मुद्दा मैं
आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। एक सामाजिक कार्यकर्ताओं को इन मुद्दों पे का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आपने देखा होगा कि आर्थिक और राजनीतिक मुद्दे, सभी मनुष्य अपने समाज और समुदाय के अलग अलग तरह के से और अलग अलग मात्रा में योगदान कर सकते हैं। समुदाय और समाज उन योगदानों से, उन विभिन्नताओं की वजह से मजबूत होते हैं। यदि एक समूह की जानबूझकर अपनी जनता के 50% लोगों को उत्पादन गतिविधियों में से निकाल देने की आदत है और उसकी आर्थिक गतिविधि की 50% उत्पादन अक्षमता को खो जाती है, उनके गुणों पर प्रभाव के कारण यदि वो 50% निवेश मिला लिया जाए तो उत्पादन 50% से अधिक और बढ़ जाएगा। यानी कि मैं कुछ बताना चाहूँ, इसे बताना, जैसे महिला पुरुषों का मामला है या कुछ वर्गों का मामला है, अगर उसमें सभी की समानता, सभी की भागीदारी है तो जो विकास की जो बातें हैं वो 100% उसका रिजल्ट आ सकता है। यानी कि उसका जो रिजल्ट है, उसका परिणाम है, बहुत अच्छा प्रभावी उसका परिणाम आएगा। अगर उनमें से हम किसी वर्ग जाति विशेष को निकाल देते हैं तो जो विकास की जो दर है वो उतनी ही कम हो जाएगी। इसलिए हमें सभी की भागीदारी को सुनिश्चित करना जरूरी है। स्त्रियों और पुरुषों के को बराबर तरह से किसी भी समाज या समुदाय में आर्थिक उत्पादन में शामिल करना, ये आर्थिक समझदारी की बात है। जैसे हम आर्थिक बढ़ोतरी की बात करें और वहां महिलाओं की भागीदारी ना हो तो इससे साबित होता है कि हम एक वर्ग का को विकास करने से, एक वर्ग की उन्नति करने से उनको वंचित कर रहे हैं। स्त्रियों को राजनीतिक फैसलों में बराबर शामिल करना, ये राजनीतिक समझदारी की बात है, क्योंकि राजनीति में महिलाओं को अधिकार मिलता है अपनी बात कहने का, अपने वर्ग की महिलाओं के बारे में बात रखने का मौका, उनके विकास की, उनकी उन्नति के रास्ते ढूंढने का मौका मिलता है जब महिलाओं की राजनीति में भागीदारी होगी। तो इसलिए राजनीति में भी महिलाओं की भागीदारी होना एक बहुत ही समझदारी की बात है। दूसरा तरीका ऐसे सोचना है कि अगर पुरुषों को जानबूझकर आर्थिक कामकाज राजनीतिक फैसलों से निकाल दिया जाए तो कैसा होगा। आज पुरुष अपने आप को ये मानता, सुपीरियर मानता है कि वो महिलाओं से ज्यादा सुपीरियर है। अगर उनको राजनीति से हटा दिया जाए, तो आर्थिक मुद्दों से उनको हटा दिया जाए और महिलाओं को कर दिया जाए तो इससे क्या होगा कि जो विकास का जो गाड़ी है, जो उन्नति का जो मार्ग है, जिसका परिणाम 100% जिसका परिणाम आता था वो परिणाम उसका घट जाएगा। तो इसी तरीके से जब पुरुषों की भागीदारी जरूरी है आर्थिक विकास में और राजनीतिक विकास में, तो महिलाओं की भी भागीदारी सुनिश्चित करना बहुत ही जरूरी है। महिलाएं भी एक संस्था, समुदाय या समाज के निर्माण में एक मूल्यवान साधन है। किसी भी समाज का, किसी भी संस्था का, किसी भी परिवार का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक उसमें महिलाओं की भागीदारी ना हो। जिन्हें ना तो महिलाओं को ना तो उपेक्षित किया करना चाहिए और न ही भूलना चाहिए कि उनके बिना गरीबी अधिक होगी। अगर महिलाओं की हिस्सेदारी नहीं है तो हम उन्नति के रास्तों को कहीं ना कहीं उसमें रुकावट डालने का काम कर रहे हैं। एक समुदाय जिसमें स्त्रियों और पुरुषों को उनकी राजनीतिक और आर्थिक जिंदगी में भाग लेने के बराबर मौके दिए जाते हैं वो राजनीतिक और आर्थिक रूप से ज्यादा मजबूत होते हैं और उसका जो परिणाम आता है वो बहुत ही
अच्छा परिणाम उसका साबित होता है। उसके अलावा सांस्कृतिक मुद्दे की तरफ मैं अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान दिलाना चाहता हूं, सांस्कृतिक मुद्दे होते हैं। एक कार्यशाला में मैंने एक बुड्ढे को ऊंची आवाज में चिल्लाते सुना, जो एक महिला को चिल्ला करके बोल रहा था, क्या तुम हमारी संस्कृति को मारना चाहते हो। उन्हें विश्वास हो चुका था कि अगर महिलाओं को बराबरी का हक मिला, महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हुई, तो उनकी पारंपरिक और सांस्कृतिक रूप से उनके कुछ हकों में कमी आ सकती है, उनका कुछ छीना जा सकता है, क्योंकि ऐसे पुरुष का मानना है कि स्त्रियां सब पुरुषों को अपने से बड़ा समझे, महिलाओं को सामाजिक फैसले में शामिल नहीं होना चाहिए। हम अपने संस्कृति को मारने की कोशिश कर रहे हैं अगर हम उनको बराबरी का हक देते हैं तो। ऐसी सोच उन लोगों की होती है जिन्हें लगता है कि महिलाओं की भागीदारी से उनका कुछ ना कुछ छिन सकता है। लेकिन अगर महिलाओं को बैठक में, लेकिन वहां मैंने देखा कि एक बैठक में एक महिला, एक युवती ने उस बुजुर्ग का चिल्ला करके जवाब दिया कि आप सुनिए हमारी बात को, हम आपकी संस्कृति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, हम इसको खत्म नहीं कर रहे हैं, हम उन चीजों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं जिनका कोई उद्देश्य ही नहीं है, जिनका कोई तात्पर्य ही नहीं है, और हम उन चीजों को छोड़ना चाहते हैं और उन चीजों को हम ऐसी चीजों को शामिल करना चाहते हैं जिससे कि आपका भी विकास हो और महिला हमारा भी विकास हो। तो ऐसी अगर कार्यकर्ता है, जो हमारी महिला कार्यकर्ता है या हमारा जो भी महिला या पुरुष कार्यकर्ता है, उसको इस तरह के जवाबों के बारे में पहले से जानकारी होना आवश्यक है ताकि वो विरोध करने वाले लोगों को सही तरीके से संतुष्ट कर सके। आपको एक कार्यकर्ता के रूप में उनके लिए जवाब चाहिए जो संस्कृति के बचाव में दलील देते हैं, जो डरते हैं कि कुछ रिवाज और ढंग बदलने से उनकी संस्कृति नष्ट हो सकती है। इस बात को समझ से शुरू कीजिए कि संस्कृति क्या है। संस्कृति एक जीवित वस्तु है, जैविक नहीं बल्कि सामाजिक। इसमें वो सारी चीजें आती हैं जैसे ढंग, व्यवहार और मान्यताएं, ये संस्कृति में आती हैं जो सीखी जाती हैं, ना कि अनुवांशिक रूप से पाई जाती हैं। जीवित रहने के लिए उसका बढ़ते रहना, रूपांतरित होना जीवों की तरह जरूरी है। बढ़ना और रूपांतरण मतलब यानी कि बदलाव। अगर हमें विकास करना है, अगर हमें आगे बढ़ना है, तो समय के मुताबिक उनमें बदलाव की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। बदलाव बहुत अनिवार्य है। लिंग संतुलन बढ़ाना परंपराओं के विरुद्ध नजर आ सकता है, खासकर वहां जहां महिलाएं दबाई जाती हैं, जबकि अंततः स्त्रियों और पुरुषों की बराबर सहभागिता एक ज्यादा मजबूत समाज और समुदायों का निर्माण कर सकती है। हमारी संस्कृति भी मजबूत होगी और उपजेगी और वो जीवित भी रहेगी। आपको समुदायों को ज्यादा लिंग अपक्षपात तक पहुंचने में मदद करने के लिए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए अपनी रणनीति बनाने की तरफ ऐसी समाज की, ऐसे वर्ग की हमेशा मदद करने में सहायता करनी चाहिए। ऐसा मतलब सहायता करनी चाहिए, ऐसा उनका सहयोग एक कार्यकर्ता को करना चाहिए। जागरूकता बढ़ाना, इसके लिए क्या होगा,
हमें जागरूकता बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। हम एक ऐसी समस्या को हल नहीं कर सकते जिसका हमें पता ही नहीं है। जिस समस्या के बारे में हमें पता ही नहीं है, हम उसका समाधान कैसे निकालेंगे कि उसका निवारण क्या है। याद रखिए, एक समाज और समुदाय के लोगों को अपनी दिक्कतें खुद ही सुलझानी चाहिए। जैसे किसी भी समुदाय के विकास में आप समुदाय को विकसित नहीं कर सकते, समुदाय खुद को विकसित करता है। आपका हस्तक्षेप क्या होना चाहिए उसमें, कि मार्गदर्शन, उन उत्तेजना, प्रशिक्षण, प्रोत्साहन, इस तरीके से आप उनकी मदद करके और बदलाव लाने में आप उनके सहयोगी हो सकते हैं। काफी सदस्यों को असमान दर्जे से फायदा हो रहा होता है, वे डरते हैं कि कोई भी बदलाव उनके दर्जे, सम्मान, शक्ति, उनकी आर्थिक बढ़त को नीचे कर देगा। जिनको ऐसे निहित स्वार्थ होते हैं वो कहेंगे कि हमारे यहां कोई दिक्कत नहीं है। वो तर्क देंगे पारंपरिक तरीकों और विश्वासों को बदलने से संस्कृति का नाश होगा। वकालत, समुदाय के सदस्यों को जागरूक करना, दूसरों के लिए निहित स्वार्थों को जैसे संबोधित करना, ये अपने भाग में शामिल किया जाएगा। श्रोतागण को जागरूक बनाने के लिए एक अच्छी पहुंच, उनको हिस्सेदार बनाने वाले तरीके इस्तेमाल करना, ये एक कार्यकर्ता के गुण होने चाहिए। याद रखें कि हम सुनकर सबसे कम सीखते हैं। एक कार्यकर्ता को हमेशा इन चीजों पर फोकस रखना चाहिए कि हम कुछ भी बात सुनते हैं उससे हम बहुत कम सीखते हैं। अगर हम कुछ देखते हैं तो थोड़ा और ज्यादा सीख जाते हैं, और अगर हम उसमें करने में हिस्सा लेते हैं तो और ज्यादा सीखते हैं। याद रखें, समुदाय के सदस्य एक योजना की जिम्मेदारी तब लेंगे यदि उसमें जुड़े फैसले वो खुद लेंगे। तो इससे क्या होगा, उन्हें ये ना लगे, क्योंकि उनको अगर एक कार्यकर्ता अपनी बात उन पे थोपेगा, अपने ही ज्ञान उससे उनको बताएगा और समुदाय को अपनी बात कहने का मौका नहीं देगा, तो समुदाय को लगेगा कि ये आदमी अपनी जिम्मेदारी, अपनी बातें हमारे ऊपर थोप रहा है। लेकिन जब हम उनकी समस्याओं में उस वर्ग के, उस समाज के लोगों को शामिल करेंगे, उन पे उनके विचार का आदान प्रदान करेंगे, तो उनको लगेगा कि ये समस्या इसकी नहीं है, इस कार्यकर्ता की ये समस्या नहीं, ये समस्या हमारी है, और वो उस कार्यकर्ता का धन्यवाद भी करेंगे जो उनका सहयोग करेगा। तो उन्हें, जो समाज के लोग, हमें लगना चाहिए कि ये योजना और ये विधि, जो तरीका, ये कार्यकर्ता का नहीं है, ये हमारा अपना है। क्योंकि जब हमें कार्यकर्ता जब उनसे बातचीत करता है और काफी लोगों ने उसके बारे में अपनी राय दी है और आपको भी लगता है कि वो राय बहुत अच्छी है, तो उसी राय के मुताबिक हम अपनी कार्य योजना बनाते हैं और समस्या का समाधान करवाते हैं, तो समाज के लोगों को लगता है कि ये हमारा ही तरीका है, हमारी ही सोच है, हमारी ही समस्या है, और वो काम बहुत जल्दी बड़ी आसानी से हो सकता है। समुदाय विकास के आधारित मूल्य है, जैसा कि समझा गया है कि ये एक जो समुदाय को शामिल करना, हमारी जो इस पुस्तिका है, हमारी संस्था इंपावर पीपल द्वारा जो पुस्तिका तैयार की गई है, इसमें ये बहुत ही अहम बात समझाई गई है कि हर समस्या के अंदर उस समाज की भागीदारी होना बहुत ही आवश्यक है, ताकि उस समस्या का जल्दी से निवारण करवाया जा सके। तो फिर समूह
सभाओं में मौलिक तरीका, सक्रेट्स की तरह सवाल पूछना, सहभागियों को उपदेश या वर्णन मत करो, उनसे ऐसे सवाल करो कि उन्हें अपनी स्थिति और समुदाय को लिंग संतुलन के विषय में देखने की और की तरफ ले जाएं और वह अभी कैसा है और कैसा हो सकता है। एक कार्यकर्ता जब उनकी समस्याओं के बारे में उनका ध्यान आकर्षित करता है तो वो बताता है, कार्यकर्ता उनको बताता है, इस बारे में अवगत कराता है कि आपकी ये समस्या आज इस स्टेज पे है, अगर आप ऐसा करेंगे तो ये ऐसे हो सकता है और आप इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। एक एक अच्छा कार्यकर्ता के ये गुण है, इसलिए कार्यकर्ता को हमेशा समाज के अंदर, उस वर्ग के अंदर उनकी बातों का गौर करना चाहिए, ये एक अच्छे कार्यकर्ता की पहचान है। हाँ, एक चीज, जैसे हम एक कार्यकर्ता उनको उन पर अपनी बात थोपने की, अपना ज्ञान बांटने की बजाय एक कार्य कर सकता है कि वो उस समाज के जो अच्छे लोग हैं, उस समाज के बारे में जो जानकारी रखने वाले जो लोग हैं, उनसे सहयोग करने के लिए वो उनको बता सकते हैं कि आप फला आदमी जो आपके वर्ग से है, आपके समाज से या अच्छे नेचर का है, आप उससे भी मदद ले सकते हैं। ये उस समाज के लिए भी अच्छा रहेगा और कार्यकर्ता के लिए भी अच्छा रहेगा। और ये हमेशा एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हर मामले में लिंग संतुलन का जो सवाल है बार बार आता है, इसको हमेशा बनाए रखने की आवश्यकता है। सब प्रबंधन में, शिक्षण में और समुदाय को उसकी योजनाएं शुरू करने में और प्रोत्साहन करने में लिंग संतुलन बनाए रखना बहुत ही आवश्यक है। लिंग संतुलन को बढ़ावा देना क्यों जरूरी है? असली दुनिया में बहुत बड़ी और अनुचित असमानताएं हैं। दुनिया में असल में बहुत बड़ी और गलत धारणाएं या गैर बराबरी मौजूद हैं, जिनमें कुछ पुरुष स्थितियों में एकत्रित हैं और स्त्रियां कुछ स्थितियों में। कहीं कहीं पुरुषों का संगठन एक तरफ है, कहीं कहीं महिलाओं का संगठन एक तरफ है। पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों के लिए जो स्थितियां हैं वो ज्यादा अनुकूल नहीं है। ज्यादातर जो बातें हैं वो स्त्रियों के प्रतिकूल हैं। तो लिंग संतुलन का एक लक्ष्य इन असमानताओं को दूर करना भी है। लिंग संतुलन की दृष्टि रखना मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के सर्वोत्तम मूल्यों के साथ मिलता है और साथ ही साथ हमारी संस्कृति, उसके आर्थिक और राजनीतिक प्रणालियों को भी फायदेमंद है। हमें यह पूछने की जरूरत है कि उसकी ओर बढ़ने के लिए हमें क्या क्या तरीके अपनाने चाहिए, फिर उसके अनुसार एक समाधान निकालने की जरूरत है। इसके बारे में कटलीना ट्रजिलो UNCH ने अपने प्रशिक्षण में कहा है कि इस लक्ष्य के संदर्भ में एक जाना माना नारा इस्तेमाल किया गया था। क्या था नारा? नारा था, सारे संसार के विषय में सोचो और काम स्थानीय स्तर पर करो। ये बहुत ही अच्छा एक नारा था जो समाज को, महिलाओं को, पुरुषों का बराबरी का संतुलन बनाए रखते हुए समाज को आगे बढ़ाने में बहुत ही अच्छा साबित हुआ है। जब किसी भी सामाजिक बदलाव के बारे में सोचा जाता है, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो बदलाव के पक्ष में होंगे और कुछ लोग विरोध में होंगे। उदाहरण के लिए
यह मामला समुदाय की सहभागिता के विषय में भी पहले भी इस पुस्तक में उठाया गया है। बदलाव के विरोधी अक्सर वो लोग होते हैं जो सोचते हैं कि बदलाव होने से उनका कुछ छिन जाएगा। इस पे हमने पहले भी बताया आपको। आश्चर्यजनक बात यह है कि कभी कभी जो अभी नुकसान में हैं, वे भी बदलाव का विरोध करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि उनका भी कुछ छिन जाएगा, चाहे वह अपने लिए, चाहे वो बदलाव उनके लिए कितना भी मूल्यवान क्यों ना हो। कभी कभी जो लोग दबे कुचले हुए हैं, दास हैं या बंधुआ मजदूर हैं, वे अपनी बेड़ियां नहीं खोना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि बेड़ियों में रहने से वो सुरक्षित हैं। क्यों सुरक्षित हैं? कि उनका मानना है कि ना तो उनकी कोई जिम्मेदारी है, ना उनको कोई फैसले लेने की जरूरत है, और ना उनको ऐसा कुछ जो उनको छिन जाएगा। इसलिए वो भी ये चाहते हैं कि हम जैसे हैं यहां ठीक हैं, सुरक्षित हैं। वो भी बदलाव करने के कई बार पक्ष में नहीं होते। आपकी रणनीतियां, यानी कि एक कार्यकर्ता की जो रणनीतियां हैं, उसके जो कार्य करने का जो तरीका है, ये दिखाए कि जो आपने बदलाव की बात जो रखी है, उससे उनको क्या लाभ होने वाला है। जब तक आप उनको उनके लाभ के बारे में नहीं बताएंगे, और वो सोचते हैं कि वो कुछ खो देंगे, और जो बदलाव हुआ है वो विरोधियों के लिए लाभदायक है, और हो सकता है वे अब विरोधियों के लाभदायक है, तो वो जब आप उनको बताएंगे कि ये जो विरोध करने वाले लोग हैं, ये इनके लिए भी फायदेमंद है, और आपको अगर आप इसका विरोध करते हैं, इसके लिए अंदर बदलाव लाते हैं, तो आपका ये फायदा हो सकता है। और जब आप उस फायदे के बारे में जो बदलाव का विरोध करने वाले लोग हैं, कार्यकर्ता अपने तर्क वितर्क से, अपनी सोच से, अपनी बुद्धि से उनकी बातों का जवाब देगा, तो कहीं ना कहीं विरोधी आदमी भी उस बदलाव में शामिल हो सकते हैं। ये एक कार्यकर्ता जो अच्छा कार्यकर्ता है, उसके गुणों पर आधारित है कि वो विरोधियों को किस तरीके से अपने पक्ष में कर सकता है। हो सकता है कि विरोधी अपना फैसला वापस ले ले और बदलाव को सक्रिय रूप से समर्थन दे दे। हालांकि यह विचार इतना आसान नहीं है कि वो इतना जल्दी अपना फैसला बदल लेंगे। उसके लिए कार्यकर्ता को बहुत ही तैयारी की और बहुत ही मेहनत की जरूरत पड़ती है। एक और समान बात है, जैसे मजदूर संघ रखना, एक संघ बनाने से सभी सदस्यों को बेहतर आमदनी और काम करने की परिस्थितियां मिलने का फायदा होगा। इस तरीके की बात जब हम उस समूह को, उस संघ को बताएंगे कि अगर सारे या बाकी लोग संघ में जुड़ जाएं, आप इकट्ठा रहें, आप इस तरह का बदलाव करेंगे तो आपको इतना लाभ हो सकता है, तो आपकी बात उनके समझ में आएगी और तब जाकर के वो आकर्षित होंगे और उस मुद्दे पे विचार करेंगे। हाँ, एक कार्यकर्ता जब वो सहमत हो जाते हैं, कार्यकर्ता का अच्छे कार्यकर्ता की ड्यूटी बन जाती है, कर्तव्य बन जाता है कि उनको कुछ सहयोग करे नीति बनाने में, जिससे कि वो अपनी समस्या का समाधान करवा सके। एक बात आप जानते हैं, जिससे पहला कहा गया है कि संस्था, समुदाय या समाज दोनों स्त्री और पुरुषों की सहभागिता से फायदे में रहेंगे। यहां फिर वही बात आ जाती है कि संतुलन की, लिंग संतुलन की। कोई भी संघ, कोई भी संस्था, कोई भी संगठन, चाहे वह सामाजिक है
या राजनीतिक है या आर्थिक है, उसमें महिला पुरुषों की बराबर की भागीदारी होना सुनिश्चित करना बहुत ही जरूरी है और ये उनके लिए फायदे में भी रहेगा। किसी भी वर्ग के लोगों की सहभागिता पर रोक हटाने से हर तरह की राजनीतिक, सांस्कृतिक और तकनीक और आर्थिक और कानूनी और ज्यादा रचनात्मक और ज्यादा सफलतापूर्वक साबित हो सकती है। यह पूर्ण शक्ति प्रदान करेगा और उसके सदस्यों को भी फायदा करेगा। ऐसे लोगों को जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से ज्यादा जागरूक हैं, उनको ये बहुत ही ज्यादा लाभ पहुंचाएगा कि इसमें महिला पुरुषों की जब वो सहभागिता शामिल करेंगे तो जो लोग पहले से जागरूक हैं, जो लोग पहले से संगठित हैं, वो इस काम को और कर लेते हैं तो उनका जो रिजल्ट है, काम का जो परिणाम है, वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सबको सम्मिलित करने वाली नीति पूरे समुदाय, उस संस्था और समाज और उसको बनाने वाले व्यक्तियों को बहुत के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती है। लिंग को मुख्य धारा में लाना ये पॉइंट है। बहुत सामाजिक बदलाव या विकास की योजनाओं की एक समान रणनीति होती है बदलाव की शुरुआत एक क्षेत्र में करना और फिर उसकी सफलता को देखते हुए और सीखते हुए उसे पूरे समाज में जोड़ देना। बदलाव के लिए हमें जो हमारी रणनीति होती है उसमें बदलाव की हमें सबसे पहले शुरुआत करनी होती है। लिंग संतुलन और जागरूकता को मुख्य धारा से जोड़ना, अपने काम के शुरू में ही कर लेना सबसे अच्छा है और अंत तक ये करते रहना चाहिए। पहले केवल कुछ ही हिस्सों में लिंग पर ध्यान देने से यह दिक्कत है, जैसे पहले कहा गया है कि यह मुद्दा किनारे हो जाएगा, यानी कि उसका जो रिजल्ट आएगा वो आधा हो जाएगा। अगर हम एक वर्ग के ही तरीके से लोगों को जोड़ते हैं, एक वर्ग के लोगों को ही समस्या का समाधान करने की जिम्मेदारी देते हैं तो वो उसका परिणाम आधा रह जाएगा। अगर आप एक लिंग कार्यशाला आयोजित करते हैं तो काफी संभव है कि केवल वे सहभागी ही आएंगे जो पहले से समस्याओं के बारे में जानते हैं और उसका समाधान चाहते हैं। अगर आप लिंग जागरूकता और संतुलन के प्रोत्साहन की रणनीति पर का खास विषय पर अपने शिक्षण सत्रों में शामिल करेंगे, अपने काम में उनको साथ मिलाएंगे, तब ज्यादा संभव है कि आप ऐसे लोगों को शामिल करेंगे जिन तक आप अपना संदेश पहुंचाना चाहते हैं। यानी कि सही मायने में जो कार्यकर्ता अपनी बात जिन लोगों तक पहुंचाना चाहता है वो बातें वहां तक तभी जाएंगी जब हम समानता के तहत लिंग भेद का संतुलन बना के रखेंगे, उसमें किसी तरह के लिंग भेदता नहीं करेंगे और उनको अपने भागीदारी करेंगे, हिस्सेदारी देंगे, तो उसमें आपका जो कार्य है करने का जो तरीका है, आपकी जो कार्य करने की सोच है, जो आपका मूल उद्देश्य है, आप वहां तक पहुंच सकते हैं। मुख्य धारा में जोड़ने से काम शुरू करना होगा। जब हम उन लोगों को जोड़ते हैं मुख्य धारा में, ऐसे लोगों को शामिल करते हैं, तो उसके लिए हमें शुरुआत करनी पड़ेगी, काम को शुरुआत करनी पड़ेगी। और इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? लिंग जागरूकता बढ़ाना, लिंग संतुलन प्रोत्साहित करना, संगठन कार्य का प्रबंधन करना, शिक्षण का, अक्षमता विकास का और गरीबी कम करने का ये एक महत्वपूर्ण भाग है। आपको स्थिति के अनुसार रणनीति विकसित करनी होगी। जैसी स्थिति है, जैसे सिचुएशन है,
उसी के मुताबिक आपको अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी, उसमें बदलाव करने की आवश्यकता पड़ेगी। जो बदलाव का विरोध करेंगे उन्हें पहचानना होगा। एक कार्यकर्ताओं को देखना पड़ेगा कि इस काम के अंदर कौन कौन ऐसे आदमी हैं जो इस काम का विरोध कर रहे हैं, उनकी पहचान करनी पड़ेगी और उनको होने वाले फायदे के विषय में जागरूक होना पड़ेगा। ऐसे लोगों से मिल करके उनको बताना पड़ेगा कि आप विरोध कर रहे हैं लेकिन इससे आपका नुकसान है, अगर आप इस काम में सहयोग करते हैं तो आपके भी इस तरह के फायदे हो सकते हैं। उनको जागरूक करना होगा और यह सब अपने काम से शुरू करने में ही सम्मिलित करना होगा। जब आप स्टार्टिंग में ही जब आप कोई काम अपने हाथ में ले रहे हैं किसी समाज में किसी वर्ग में, तो उस दौरान ही आपने जब समाज में आप बातचीत कर रहे हैं तो विरोधियों को भी आपने पहचान उनकी पहचान करनी पड़ेगी और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए उनके विचारों को बदलना पड़ेगा। उसके लिए आपने अपनी सूझबूझ से अपनी बात उनके बीच में रखनी ताकि उनको लगे कि हाँ ये जो कार्यकर्ता है इसमें कहीं ना कहीं ये हमारी भलाई की भी बात करता है। इसलिए कोई एक खास नुस्खा या कोई क्रिया इसके लिए निर्धारित नहीं है कि जिसका हमें पालन करना चाहिए। वो कार्यकर्ता की अपनी सूझबूझ है कि वो किस तरीके से किस सिचुएशन से ऐसे विरोधी लोगों को अपने काम में सहयोगी बनाता है। आपको परिस्थिति का विश्लेषण करना चाहिए कि वह की परिस्थिति क्या है। इस दस्तावेज में जो हमने हमारी संस्था में पार्क पीपल ने जो दस्तावेज तैयार किया है इसमें जो लिखे हुए जो मूल्य हैं जो लिखे हुए हैं बातें हैं उन पर उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्यकर्ताओं के लिए हमारी संस्था ने इसमें वो बातें लिखी गई हैं जो जो बताई गई हैं जो ऐसे लोगों को अपने हक में करने के लिए एक अच्छी साबित हो सकती है। और फिर एक स्थिति के अनुसार वो अपनी एक उपयोगी रणनीति बना सकता है इनका इस्तेमाल कर करके उन तरीकों का जो हमारी संस्था इंपावर पीपल ने इस पुस्तिका में लिखी है। सक्रियता से भाग लेना ही संगठन की कुंजी है। एक कोई भी अच्छा संगठन है मजबूत संगठन अगर हमने बनाना है मजबूत संगठन है तो उसमें जो सक्रियता क्यों जरूरी है इसके बारे में इस पुस्तिका में बताया गया है कि सिर्फ भाग लेना ही हमेशा संगठन संगठनीकरण पैदा नहीं करता। कुछ आदमी हमेशा आते रहते हैं जाते रहते हैं आते रहते हैं जाते रहते हैं उससे ये नहीं लगता है कि वो मजबूत संगठन मजबूत होगा। इसके लिए एक सहयोगी वातावरण भी चाहिए जिसमें लोगों की इच्छाओं कुशलताओं उनके विचारों को बढ़ावा मिले जिससे उनका सामर्थ्य बढ़े और जिससे खुद ही संगठित होने के गुण उत्पन्न हों। ऐसा करने के लिए कुछ तरीके बताए गए हैं जिन पर एक कार्यकर्ता को ध्यान देने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। वो तरीके क्या हो सकते हैं कि कभी भी लोगों को कम ना समझे। हम जिस भी व्यक्ति से बात कर रहे हैं एक कार्यकर्ता किसी व्यक्ति से बात कर रहा है तो उसको ये ना समझे कि मैं इससे ज्यादा जानता हूं ये कुछ नहीं जानता। हमें हमारे कार्यकर्ता को ऐसे जिस व्यक्ति से बात करते हैं उसको सम्मान देते हुए उसकी बातों को बड़ा ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और उसको सामने जो जटिल समस्याएं हैं जो उनके समस्याएं हैं उनकी जो उलझन है उसके जो उपाय हैं उसके बारे में विचार करने और तर्क वितर्क करने की तरफ उसका ध्यान आकर्षित करना चाहिए। लेकिन हमेशा एक ध्यान रखें कि एकदम से ऐसी समस्याएं सामने ना लेके आए जिसका समाधान करने में दिक्कत आए और
समस्याओं को एकदम इकट्ठा सभी समस्याओं को मत उठाएं, जो समस्याएं उनको छोटे छोटे हिस्सों में बांटना चाहिए। दूसरा है कि लोगों की निजी समस्याओं और विषयों से शुरुआत करें, एक सामूहिक समस्या के साथ साथ उनकी कुछ निजी जो समस्याएं हैं, उनके जो कुछ अपने खुद के विषय हैं, उनसे हम उनसे मिलने जुलने की बात से शुरुआत कर सकते हैं, जिससे कि हमारा उनसे परस्पर मिलने जुलने व्यवहार करने का जो कार्य है वो आगे बढ़ सके। अपने जो निजी विचार, एक कार्यकर्ता का चाहिए कि अपने निजी विचारों और समाधानों को शुरू में ही कभी भी जाहिर ना करें। जब भी एक कार्यकर्ता किसी समुदाय में, किसी समाज में या किसी व्यक्ति से बातचीत कर रहा है और कोई समस्या, कोई उलझन है, तो उस पे हमेशा अपने विचार नहीं थोपने चाहिए कि इसका समाधान ये है, बल्कि उससे पूछना चाहिए कि इसका तरीका क्या हो सकता है, मैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकता हूं, आपकी नजर में इसका सही समाधान क्या हो सकता है। ये कार्यकर्ता को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि वो उस समाज की बात को गौर से सुने। चौथा इसमें हो सकता है कि लोगों को अपनी सोच का दायरा बढ़ाने में मदद करें, उस समस्या के बारे में उसको ज्यादा सोचने का मौका दें कि आप पहले जिस पे सोचिए कि इस पे और ज्यादा क्या हो सकता है, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, और तीसरा तरीका क्या हो सकता है। वो ज्यादा से ज्यादा उसी वर्ग के व्यक्ति को, उसी समाज के लोगों को उस पर ज्यादा ज्यादा सोचने और उनके विचार करने का दायरा बढ़ाने में मदद करनी चाहिए, और हर चयन में लाभ हानि में भी सोचने दें। और जब वो कुछ विचार अपने प्रकट करते हैं तो कार्यकर्ता को उसके लाभ हानि के बारे में भी बात करनी चाहिए कि इस बात से आपको कितना लाभ होगा और इससे आपको नुकसान क्या हो सकता है, तो उसके बारे में भी वो गहनता से बात करेगा। और शुरू में ऐसे कार्य ना चुने, कार्यकर्ता को सॉरी कार्यकर्ता शुरू में ऐसे कोई कार्य ना चुने जिसकी सफलता ना मिले या कम मिले, या जिनमें उनका विश्वास डगमगाए, ऐसे कार्य को नहीं चुनना चाहिए, बल्कि उन कार्यों को चुनना चाहिए जिसमें सफलता जल्दी मिल जाए और समाज का और उस वर्ग के लोगों का और उस उन व्यक्तियों का भरोसा, विश्वास ज्यादा बढ़े कार्यकर्ता के प्रति। जैसे इसमें सीढ़ी का उदाहरण दे सकते हैं कि भाई एकदम से कोई पहली पैड़ी से ऊपर की पैड़ी पर नहीं जा सकता, इसलिए हमें पहले पहली पैड़ी पर, फिर दूसरी पैड़ी पर, तीसरी पैड़ी पर, धीरे 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 हम इन सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अगर हम सारी एकदम से पैड़ी चढ़ने की कोशिश करेंगे तो टांग बचड़वा सकते हैं। तो उन समस्याओं को सीढ़ी के का उदाहरण देकर के अगर उनको समझाएंगे तो उनको वो बातें कार्यकर्ता की अच्छी लगेगी और उसमें वो सही करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और अगर संभव हो तो ऐसे समाधान ना निकालें जो बदले ना जाए। कुछ उसमें जो आपने जो सुझाव दिए हैं, कुछ बातें जो बताई हैं, वो ऐसी नहीं हो कि जो कह दिया वही पत्थर के लगी है। आप उन समाज के लोगों को, उस वर्ग के लोगों को बता सकते हैं कि इसके अलावा और भी कोई रास्ते हो सकते हैं, अगर किसी के समझ में कोई दूसरा तरीका है तो वो भी अपनाया जा सकता है। और कोशिश कीजिए कि एक ऐसे सीखने की प्रक्रिया बन जाए जिससे लोग खुद सहज समाधान निकाल लें, जिसमें वह फेर बदल कर सकें जब तक वह पूर्ण और सही नतीजे तक न पहुंच सके। जब आप उनके ऊपर इस तरह की बातें रखेंगे कि आप इसके अलावा और भी तरीके जिसके समझ में आए वो बता सकता है, हम उस पर कार्य कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा कि वो पूर्ण नतीजे तक पहुंच सकते हैं और वो काम आसान से हो सकता है। लगातार सदस्यों की सूची को जांचिए और उसको बढ़ाने का प्रयत्न कीजिए। जैसे कोई नई सोच वाले मिले तो सोचे कि उन्हें आप कैसे इस
क्रिया में शामिल करेंगे, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। जब आप ऐसे लोगों से मिल रहे हैं, ऐसी सूची जब आप तैयार कर रहे हैं, तो नए साथी भी मिलेंगे, आप देखें उसके अंदर क्या क्वालिटी है और किस तरीके से ये हमारे साथ सहयोगी हो सकता है, और जो पीछे जो हमारी जो सूची है उसको भी जांचें कि इसमें कुछ लोग उन ऐसे लोग हैं जो काम नहीं करना चाहते हैं, जो सहयोग नहीं करना चाहते हैं, उसके बजाय हम ऐसे जो नए लोग आए हैं उसको उनमें हम शामिल कर सकते हैं, उनका सहयोग हम ले सकते हैं। इस पर यह कार्यकर्ता का ध्यान का फोकस होना चाहिए। इसमें एक आठवां पॉइंट ऐसे होता है किया जा सकता है कि लोगों को किसी भी विषय पर निर्णय तक पहुंचने की क्रिया उसको समझने में आप उनकी मदद करें। कैसे जटिल समस्याओं पर निर्णय कई बार उन स्थितियों पर निर्भर होते हैं जो उनकी शक्ति से बाहर हैं, पर जिनका प्रभाव नतीजे पर होता है। यानी कि जो जटिल समस्याएं हैं उन पर निष्कर्ष तक पहुंचने में आप उनकी मदद करते रहें, क्योंकि कुछ ऐसे निर्णय ऐसी स्थितियां होती हैं जिनका जो शक्ति से बाहर होती हैं, अपने पाव से बाहर होती हैं, लेकिन अगर उसका समाधान ना ढूंढा गया ना निकाला गया तो उसका उस कार्य पे प्रभाव पड़ सकता है और वो उस कार्य को प्रभावित कर सकते हैं। आगे अगला पॉइंट है कि नए रिश्तों और संबंधों को प्रोत्साहन दें, यानी कि हमें नए रिश्ते उनके साथ रिश्ते बनाने, एक पारिवारिक रिश्ते, एक दोस्ताना रिश्ते, व्यवहारिक रिश्ते, विश्वास का रिश्ता, तो इस तरीके से हमें उनके जो नए रिश्ते हैं और उनके साथ जो संबंध हैं उसमें हमें उनके उसको बढ़ावा देना चाहिए, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए, उनके दुख सुख में हमें शामिल होना चाहिए। और आगे एक कार्यकर्ता के कर्तव्य बनता है कि वो योजनाओं का साफ लक्ष्य बनाए, साफ साफ योजना का उसका लक्ष्य होना चाहिए और उसके कर्म की जो उसके कर्म की ओर केंद्रित होनी चाहिए, वो ऐसी योजनाएं हो जो उसके काम को आगे बढ़ाने में केंद्रित हो, उस और वो साफ साफ हो ताकि सभी की बातें उसकी बातें सभी को समझ में आए। एक और नियंत्रण बहुत जरूरी है। इसमें अगला जो पॉइंट है वो ये है कि नियंत्रण बहुत जरूरी है। भिन्न भिन्न रुचि वाले दलों की अपने वादों को पूरा करने की क्षमता और उनकी गतिविधियों की समाज की और जवाबदारी और समाज द्वारा उनका नियंत्रण, यानी कि जो नियंत्रण है उस पर बहुत जरूरी है कि वो जो भी कार्य कर रहा है उसमें अलग अलग तरह के जो ग्रुप हैं उनको उन्हीं के मुताबिक जिम्मेदार दे दी जाए कि इस चीज का नियंत्रण आपके अधीन रहेगा, इसका नियंत्रण आपके अधीन रहेगा, जिससे कि वो कार्य जिसको वो करना चाहते हैं वो आसानी से हो सके। और इस क्रिया में जो नियंत्रण वाली जो क्रिया है इसमें अवसर होना चाहिए, चिंतन भी होना चाहिए और इसमें हमेशा खुद की भी समीक्षा होनी चाहिए। कुछ ऐसा संयोजन कीजिए कि लोगों को मजा आए। कार्यकर्ता का कर्तव्य बनता है कि वो ऐसी योजनाएं ऐसे कार्य करे कि जिसमें लोगों की भागीदारी हो और उनको काम करने में मजा आए, किसी तरह का उनके ऊपर बर्डन ना बने ताकि वो काम आसानी से कर सके, क्योंकि लोगों को मजा आएगा तो प्रभावशाली होंगे, उनकी भागीदारी होगी और ये प्रभावशाली भागीदारी की जो बातें जो ये जो चीजें जो ये कुछ पॉइंट जो बताए गए हैं ये जो सर डेविड विलकॉक्स उन्होंने पुस्तक लिखी है प्रभावशाली भागीदारी की कुंजियां, उसमें वो ये इस तरह की जो बातें हैं उन्होंने खोल के लिखी गई है। भाग लेने के लिए 10 मुख्य सूत्र हैं, वो क्या क्या हैं? भाग लेने के लिए सैरी अरनटिस्ट है जो 1969 में किसी भी उन्होंने कहा कि किसी भी प्रक्रिया में भाग लेने की जो सीढ़ी है यानी कि जो पायदान है
जो रास्ते हैं वो 8 तरह के रास्ते उन्होंने बताए हैं संक्षेप में, वो क्या क्या हैं। नंबर 1 जुगाड़, और दूसरा उपचार। यह संगठन यानी कि भागीदारी की क्रिया नहीं है, यहां लक्ष्य सिर्फ ज्ञान देना या उपचार करना है। इसमें माना जाता है कि जो योजना प्रस्तुत की जाए वही सबसे अच्छी है, और लोगों को शामिल करने का लक्ष्य सिर्फ उनकी हामी लेने के लिए है। यह है जुगाड़, यानी कि अपनी ही बात करके जैसे तैसे करके अपना काम निकलवाना, ठीक है, जुगाड़ हुए। अच्छा, इसमें आगे जो तीसरा जो पॉइंट है वो है क्या है, जानकारी देना। भागीदारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पहला कदम है जानकारी देना। इस पर कई बार यह सिर्फ एक तरफा वक्तव्य हो सकता है, कुछ सुझाव पाने का दबाव नहीं होता। अगला जो पॉइंट निकलेगा वो है सलाह लेना, सामूहिक तौर पर बैठकों का संयोजन करना या लोगों से पूछना, किंतु अक्सर यह दिखावा भर रह जाता है। ये कुछ ऐसे चीजें हैं जिन पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। और सांत्वना देना, कुछ चुने हुए व्यक्तियों को समिति में ले लेना, इससे एक सांत्वना देना है। साझेदारी, यहां शक्ति एक जगह केंद्रित नहीं रहती किंतु चर्चा के बाद लोगों में बंट जाती है, ये इसको साझेदारी बोलते हैं। योजना बनाने का काम और निर्णय लेने का काम अलग अलग लोगों को सौंपा जाता है। शक्ति का प्रतिनिधित्व, समाज द्वारा चुने गए लोग समिति में होते हैं और उन्हें समाज द्वारा शक्ति दी जाती है। उनकी जिम्मेदारी अब समाज की ओर होती है और सभी योजनाओं के लिए जो उनकी जिम्मेदारी होती है वो समाज की तरफ से दी गई होती है, और जो योजनाएं होती हैं उन सब पे उनको शक्ति मिली होती है। नागरिक नियंत्रण, सारा कार्य स्वयं नागरिकों द्वारा किया जाता है। योजना बनाना, उसकी दिशा निश्चित करना और योजना का नियंत्रण, ये आता है नागरिक नियंत्रण के अंतर्गत। अगला जो इसमें पॉइंट है, अगला जो बिंदु है वो है शुरुआत और क्रिया। लोग खुद ब खुद ही भाग नहीं लेते, कोई ना कोई तो शुरुआत करता है, फिर कोई इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है और धीरे धीरे दूसरों को भी अवसर देता है कि उनके कार्यों से फल पर प्रभाव हो। इस क्रिया का विस्तार से विवरण 4 भागों में किया गया है, यानी कि किसी भी काम को करने की जो शुरुआत है, जो क्रिया है, उसको 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 शुरुआत, नंबर 2 तैयारी, नंबर 3 भाग लेना, और उस कार्य को जारी कर रखना। ये 4 बातें हमेशा शुरुआत और क्रिया में हमेशा ध्यान रखने की आवश्यकता है। और नियंत्रण, तीसरा जो पॉइंट है नियंत्रण का, शुरुआत करने वाला यह सुनिश्चित करने के लिए अच्छी स्थिति में होता है कि कितना नियंत्रण होना चाहिए। यह नियंत्रण ऐसा ही है जैसे निश्चित करना कि सीढ़ी की कौन सी पायदान पर हम होंगे या हम किस सीमा तक कार्य में शामिल होंगे। इसको ये नियंत्रण के तहत आता है। चौथा जो पॉइंट है वो है लक्ष्य और प्रभाव। भागीदारी या इकट्ठा, यानी कि भागीदारी या बैठक के जो महत्व को समझना, ऐसा ही है जैसे शक्ति को समझना। अपने लक्ष्य को पाने की एक क्षमता ताकत उसके पास होती है जिसके पास जानकारी हो, धन हो, और यह लोगों के भरोसे और कुशलताओं पर निर्भर है। बहुत सी ऐसी संस्थाएं होती हैं जो लोगों को भाग नहीं लेने देती क्योंकि उन्हें डर होता है कि उनका प्रभाव कम हो जाएगा, पर बहुत ऐसे अवसर आते हैं जहां लोगों को सम्मिलित रूप से कार्य करने से नतीजा अकेले व्यक्ति की बजाय वो नतीजा कई गुना बेहतर होता है, जिससे यही कि मिलकर काम करने का
बहुत बड़ा लाभ होता है। सहायक की भूमिका, सहायकों का प्रभाव बहुत होता है। यह जरूरी है कि केवल लगातार अपनी भूमिका के बारे में सोचे। और छठा जो पॉइंट है वो समाज और कार्यकर्ता है। यह कार्यकर्ता से हमारा तात्पर्य है, कार्यकर्ता से हमारा मकसद है, हमारा जो तात्पर्य यह है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति से जिसको जो हो रहा है उसमें रुचि हो, किस योजना से किस पर प्रभाव पड़ेगा, किसके पास धन कुशलता या जानकारी है, कौन सहायक हो सकता है, कौन बाधा डाल सकता है। सभी लोगों का बराबर प्रभाव नहीं होता। सीढ़ी की तरह कोई पहले पायदान पर होता है, कोई बीच में होता है, कोई ऊपर वाले पायदान पर होता है, लेकिन सबको जानकारी जो इस तरह के वहां पर अपने आसपास की जो गतिविधियां हैं उनकी जो जानकारी रखता है, उनके बारे में उसको ज्ञान होता है, तो वो एक अच्छा कार्यकर्ता होता है कि जो उसके आसपास हो रहा है उसको उसकी जानकारी होनी चाहिए। ये कार्यकर्ता के गुण हैं, अच्छे कार्यकर्ता के। समाज का कौन सा वर्ग किस योजना में शामिल होता है निर्भर होगा अलग अलग वर्गों की रुचियों पर। जो कौन सा जो काम है आम, उस काम में कितने लोग, कौन लोग उसमें शामिल हो सकते हैं, वो अलग अलग तरीके के जो लोग हैं, अलग अलग तरीके का जो समाज है, अलग अलग तरीके के जो व्यक्ति हैं, वो उन पर निर्भर करता है। सातवां पॉइंट इसमें साझेदारी करता है। साझेदारी, जब अलग अलग रुचि वाले लोग अपने आप ही किसी सार्वजनिक लक्ष्य के लिए मिलकर कार्य करते हैं तो साझेदारी बहुत उपयोगी साबित होती है। जरूरी नहीं कि सभी में बराबर की अक्षमताएं, बराबर का धन हो या विश्वास हो, ये कोई जरूरी नहीं। एक बात बहुत जरूरी है इसमें, वो ये है कि आपस में भरोसा हो और एक जैसी लगन हो। भरोसा और लगन उत्पन्न करने में समय लगता है, ये बहुत ही ध्यान में रखने वाली बातें हैं। लगन, लगन से क्या तात्पर्य है, लगन का मीनिंग क्या है, लगन का मतलब क्या है। लगन उदासीनता का विपरीत रूप है। जिसमें लगन होती है वह लोग कुछ करना चाहते हैं और उदासीन लोग वो कुछ नहीं करना चाहते। पर लगन कैसे पैदा की जाए अगर उदासीन लोगों को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके अंदर लगन पैदा करनी पड़ेगी। और लगन कैसे पैदा की जाए, सिर्फ ऐसी बातों से नहीं कि तुम्हें परवाह होनी चाहिए या तुम्हें सामूहिक बैठकों में बुलाना या आंशिक परिचय देना। लोग उन विषयों की परवाह करते हैं जिनमें उनकी रुचि हो। अगर लगन पैदा करनी है तो ऐसे व्यक्तियों से, ऐसे समूह को उनकी रुचि के मुताबिक जो बातें हैं उनकी जानकारी उनको देनी पड़ेगी, ताकि वो इंटरेस्ट जो उनको लगे, हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें जिसमें उनका ज्यादा रुझान बढ़े, जिसमें उसको अपना कुछ बेनिफिट लगे, तब लगन उत्पन्न होती है। जब उन्हें लगता है कि वह कुछ कर सकते हैं, जोर जबरदस्ती ये नहीं हो सकता। अगर लोग आपकी योजनाओं के प्रति उदासीन हैं तो इसका सिर्फ यह अर्थ है कि उनकी आपकी योजना में रुचि नहीं है। अगर लोग आपका सहयोग नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि जो आपकी योजनाएं हैं वो लोगों की रुचि के मुताबिक नहीं है। विचारों को अपनाना, इसमें जो नौवां जो पॉइंट है वो है विचारों को अपनाना। लोगों में लगन से कार्य करने की संभावना तब होती है जब उसमें वह कुछ फायदा देखते हैं, या जब वह यह कह सकते हैं कि हमारा इरादा था इसको सच्चाई में उतारने के लिए आपको वर्कशॉप करनी होगी जहां विचारों को खुले रूप से आदान प्रदान हो। जहां लोग विचारों की व्यवहारिकता पर गौर करें और अंत में पूरी चर्चा के बाद ऐसे निष्कर्ष पहुंचे कि अत्यधिक लोगों की सहमति से हो,
जितना लोगों को किसी कार्य में लाभ नजर आएगा उतना उनसे उदासीनता कम होगी। इसमें क्या बताया गया है, उसमें यह बताया गया है कि लगन जब पैदा होती तो विचारों से लगन उत्पन्न होगी और विचारों में उसको हमें बताना पड़ेगा कि इसमें आपका फायदा है, और जब उनको लगेगा हाँ इसमें हमारा फायदा है तो वो फायदा बताने के लिए हमें एक कार्यकर्ता को क्या है वर्कशॉप करनी पड़ेगी। उसमें वर्कशॉप में हम उनको बता सकते हैं, उनको प्रेरित कर सकते हैं कि इस तरीके से आपको इस ये लाभ हो सकते हैं, और तब जाकर के उनके अंदर लगन पैदा होगी और वो उनको लगता हाँ ऐसा तो हम कर सकते हैं और ऐसी तो हमारी भी सोच है, तो उनकी उदासीनता कम हो सकती है और उनमें लगन बढ़ सकती है। भरोसा और अक्षमता, इरादों की सच्चाई में उतरना ये निर्भर करता है लोगों के भरोसे और अक्षमता पर। भागीदारी की क्रियाओं में ऐसे अवसर भी आते हैं जब बिल्कुल नई दिशाओं में जाना पड़ता है। ऐसा सोचना भूल होगी कि अचानक ही लोगों में जटिल और उलझी हुई समस्याओं को हल निकालने की अक्षमता आ जाएगी। उन्हें शिक्षण चाहिए, अवसर चाहिए, सीखने के लिए, अपने पर भरोसे के लिए, एक दूसरे पर विश्वास के लिए। यानी कि जब हम लोगों में कैंप के माध्यम से हम लोगों को बताएंगे, हम वर्कशॉप के माध्यम से लोगों को बताएंगे, तब उन लोगों को सच्चाई में उतरना उनके ऊपर निर्भर हो जाता है, और वो उसमें एक दूसरे पर जब उनके हम कार्य करेंगे, उनके साथ मिलकर के हम आगे बढ़ेंगे, तो उनको एक भरोसा पैदा होगा, और जब भरोसा पैदा होगा, विश्वास पैदा होगा, तो वो एक दूसरे में भरोसा विश्वास करके कार्य को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। ये कुछ पॉइंट, जो कुछ मुद्दे, कुछ विषय में मैंने आपको बताया। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको काफी जानकारी मिली होगी, और ये आपके लिए जो कार्यकर्ता अलग अलग जगह काम करते हैं उनके लिए एक अच्छी साबित होगी। इसी के तहत मेरा आप सबको नमस्कार।